जो व्यक्ति सत्ता में रहकर हिंदुत्व का सेवा नहीं कर पाए, वो सत्ता से जाने के बाद हिंदुत्व का सेवा करते हैं, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, वो अब गौ की सेवा करने लगे, यानी गायों की सेवा करने लगे, अपनी गौशाले में जाते हैं, वहाँ से वीडियो जो है वो पोस्ट करते हैं। उसके बाद इसकी कई मायने निकाले जा रहे थे, जब इन सत्ता में थे तो कभी इनके मंत्री और कभी इनके विधायक, कभी दुर्गा पे तो कभी सरस्वती पर प्रतिदैनिक टिप्पणियाँ करते थे। वहाँ तक कि इनके मंत्री जो है वो रामचरितमानस पर भी अपनी विवादित बयान देते थे। लेकिन अब जो है वो जब सत्ता से निकले तो कभी जनविश्वास यात्रा पर निकलते हैं, जनविश्वास यात्रा यानी जनता के बीच जो है वो विश्वास, लेकिन खुद इनके विधायक जो है इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, ऐसा हम किसी बोल रहे हैं। तो आज से कुछ दिन पहले गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटने के बाद इनके विधायक भी टूटे, जाकर नीतीश कुमार को वोट कर दिए, यानी एनडीए के सरकार में जाकर वोटिंग कर दिए, तो इनका विधायक भी जो है इनसे विश्वास उठ गया है। लेकिन तेजस्वी यादव खुद जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। वहीं आज जो एक वीडियो सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है, उसमें गौ की सेवा करते, यानी गायों की सेवा करते हुए अपनी गौशाले में दिखे जाते हैं, और जर्सी की बात करते हैं, जो गाय को खाना पानी देते हैं उनसे पूछते हैं ये जर्सी गाय है, और यहाँ तक कि अब बताया, इसका मायने ये भी बताया जा रहा है कि जब ये सत्ता में थे तब इनके मंत्री और विधायक जो थे वो अपना सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल पर जाकर के भी बाधित बयाने देते थे, कभी सरस्वती को लेकर थे, कभी दुर्गा को लेकर के, वहाँ तक इनके मंत्री जो है वो रामचरितमानस पर भी अपनी विवादित बयाने देते थे। लेकिन अब सत्ता से हट गए हैं तो जनविश्वास यात्रा कभी निकालते हैं तो कभी गाय की सेवा में लग जाते हैं। इससे ये मायने भी निकाला जा रहा है कि अब जो हिंदुत्व वोट बैंक हो, कभी कभी कहते हैं कि हम माई बाप की पार्टी है हमारी, तो कभी कहते हैं ए टू जेड की पार्टी है, अब ए टू जेड में से हिंदुत्व वाले जो लोग हैं इनसे नाराज़ हो जाते थे, क्योंकि इनके मंत्री जो है वो रामचरित पर अपनी विवादित बयान दे देते थे, तो कभी सरस्वती और कभी दुर्गा पर बयान दे देते थे, उसको लेकर के इनका अब कहना है कि हमारी जो पार्टी है वो ए टू जेड की पार्टी है। लेकिन जो वोट बैंक है उसमें सिंधमारी करने का ये कहे तो वीडियो हो सकता है, जिस वीडियो में ये गौ की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें साफ हम बता दें कि तेजस्वी यादव यानी पूर्व डिप्टी सीएम अभी के नेता प्रतिपक्ष हैं, इनका जो नेताजी थे यानी इनके जो मंत्री जी थे वो जब सत्ता में रहते थे तो रामचरित पर बयान देते थे, तो कभी सरस्वती और दुर्गा पर बयान देते थे। लेकिन सभी के मायने एक ही निकाला जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव सत्ता से जाने के बाद कभी भोला बाबा का पूजा करते हैं तो कभी गौ की सेवा करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में रहते हैं तो तभी इन्हीं के विधायक और इन्हीं के मंत्री जो है वो सरस्वती और दुर्गा पर आपत्तिजनक बयाने देते हैं, और साथ ही साथ रामचरित्र पर भी बयाने देते हैं। तो ये कहें तो बीजेपी जो है उसकी सिंधमारी करने के लिए लगे हैं, तो ये बातें अभी क्लियर नहीं हो रही है। लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव जो है वो नज़दीक है, ऐसे में क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव गौ की सेवा में लग गए हैं, बताया जा रहा है कि इनके विधायक जो है वो सत्ता जब थे उस समय कभी दुर्गा तो कभी सरस्वती पर आपत्तिजनक बयान देते थे, इनका मंत्री जो है वो रामचरित्र पर अपनी आपत्तिजनक बयान देते थे, उसको लेकर के इनका वोट बैंक जो था वो काफ़ी गड़बड़ा गया था। अब वोट बैंक में सिंधमारी क्या कर पाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। अगर सिंधमारी कर पाते हैं तो आप यस लिखिए, अगर कहीं सिंधमारी नहीं कर पाते हैं तो नो लिखिए, अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे सस्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।